आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे गांव का नाम गंदा है। किसी को बताते हैं तो शर्म आती है। लोग हमारे गांव का नाम लेकर बेइज्जती करते हैं, प्लीज बदल दीजिए। जी हाँ, ये गुहार लगाई है एक 12 साल की बच्ची ने। ये रिपोर्ट देखिए। राजकीय माध्यमिक विद्यालय गंदा, आप अपनी स्क्रीन पर ये देखकर हैरत में पड़ गए होंगे और सोच रहे होंगे कि स्कूल के नाम के साथ गंदा क्यों लिखा गया है। अब जरा हरियाणा के फतेहाबाद जिले के इस नक्शे को देखिए, इसमें भी गंदा है। आखिर इस गंदा का राज क्या है, जरा रुकिए। अब आप गांव की इन गलियों को देखिए, ये आपको हिंदुस्तान के दूसरे गांव की गलियों की तरह ही लगेंगी, लेकिन ये गांव दूसरे गांव से जरा हटकर है। कारण है गांव का नाम। गांव का नाम ही है गंदा गांव। इस नाम की वजह से यहां के लोगों को बहुत शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है, लेकिन अब ये लोग बहुत खुश हैं क्योंकि गांव की एक बेटी की पहल से उन्हें शर्मिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी। दरअसल 12 साल की हरप्रीत कौर ने 8 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिट्ठी लिखकर अपने गांव का नाम बदलने की गुहार लगाई थी। बच्ची की गुहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनी और पीएमओ से जवाब आ गया। प्रधानमंत्री जी ने एक बेटी की सुनी, मुझे गर्व हो रहा है अपने आप पे कि मेरी किसी ने बात सुनी। मुझे भी अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने कोई अच्छा काम किया है अपने गांव के लिए। छोटा सा गांव के लोग हरप्रीत पर फक्र कर रहे हैं। उनके मुताबिक अब उन्हें जल्दी से इस अजीब नाम से छुटकारा मिल जाएगा जिसे वो सालों से ढो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द ही ये इस गांव का नाम गंदा से बदलकर अजीत नगर हो जाएगा। और इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा उस लड़की को जो हमारे स्कूल की स्टूडेंट है। आजकल प्रधानमंत्री महोदय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं, तो उसमें भी मैं तो ये मानता हूँ कि देखो बेटी ने ही योगदान किया। अगर इस गांव का नाम चेंज होता है तो उसमें उस लड़की का बड़ा योगदान है। दरअसल गांव गंदा की पंचायत ने 4 मार्च 1989 को प्रस्ताव पास कर गांव का नाम बदलकर अजीत नगर रखने की सिफारिश की थी, लेकिन राजस्व विभाग और प्रशासन की औपचारिकताओं के पूरे ना होने के कारण नाम नहीं बदला जा सका। इसके बाद सरकारी और गैर सरकारी रिकॉर्ड में गांव का यही नाम चलता रहा, लेकिन 8वीं की छात्रा हरप्रीत कौर की चिट्ठी ने वो कर दिखाया जो सालों से यहाँ के लोग नहीं कर पा रहे थे। पीएमओ की चिट्ठी आते ही जिला प्रशासन में तेजी आ गई। पीएमओ से जिला और रतिया प्रशासन को गांव का नाम बदलने के साथ ही वहां की दूसरी समस्याओं को निपटाने का निर्देश दिया गया है। वो इस नाम से हताहत महसूस करते हैं, तो इस चीज का मीटिंग में संज्ञान लिया गया और मैंने बकायदा SCPO से पुराने दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स मंगवाए और मुझे ये भी पता चला कि एप्लीकेशन काफी लॉन्ग पेंडिंग थी हमारे SDM ऑफिस में, और इसी को संज्ञान में लेते हुए मैंने उनको ये हिदायत दी है कि आप रेजोल्यूशन की कॉपी और जो भी कार्रवाई करती है वह बन के आगे DC साहब के कार्यालय में भिजवाएं। गांव के बड़े बुजुर्ग जो नहीं कर पाए वो एक छोटी बच्ची ने कर दिखाया। नाम बदलने के बाद गंदा गांव के लोगों को अब शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ेगी। शशिकांता सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हिसार।